हेलो दोस्तों, वेलकम टू चॉप डीज। मैं अशोक, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिप्ला जो स्टॉक है फ्यूचर में, उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है कल 5 अप्रैल 2017 और आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो आज हम देखेंगे कि सिप्ला के कल और आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या होने के चांसेस हैं, क्या क्या होने की संभावनाएं हैं, कहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इन सारी चीज़ों पे जो है हम यहाँ पे गौर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो है अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है और ये सिप्ला का जो है फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने तीन लाइन ड्रॉ किए हुए हैं। सबसे पहली वाली ये वाली लाइन, ये फिर उसके बाद फिर ये दूसरी वाली लाइन, उसके बाद फिर ये तीसरी वाली लाइन। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये वाला जो डेट था, ये था आपका 15 मार्च 2017 का। तो 15 मार्च 2017 को सिप्ला का जो प्राइस था वो था 608 का, और यहाँ से फिर जो है ये डाउनसाइड हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 608 के प्राइस पे जो है सिप्ला को रेजिस्टेंस मिलता है यहाँ पे, और यहाँ से फिर देखिए ये कंटिन्यूसली डाउनसाइड हुआ है, यहाँ तक नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर करेक्ट हुआ, फिर और ज़्यादा नीचे आया, थोड़ा सा और करेक्ट हुआ, फिर और ज़्यादा नीचे आया, थोड़ा सा करेक्ट हुआ इसी जगह पे, फिर वापस थोड़ा और नीचे आया, लगभग सेम लेवल पे देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की मगर रिजेक्ट करके वापस नीचे आया ठीक इसी लेवल पे। यहाँ से फिर एक बार और कोशिश की और इस लेवल को तोड़ने की, जहाँ पहले दो बार रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे उसे तोड़ने की कोशिश की मगर नहीं तोड़ पाया, वापस फिर डाउनसाइड आ गया। अब जो है ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे है। तो ये वाला कौन सा लेवल है, आप देखिए ये वाला लेवल, ये जो लेवल है आपका 591.60 का लेवल, ये वाले लेवल पे जो है इसने पहले सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेके जो है यहीं से जो है ये 608 तक ऊपर गया था। तो ठीक है, अभी जो है ये वापस इसी सपोर्ट लेवल के पास में है। ये जो लेवल है आपका, ये है आपका 692 का लेवल, अभी फिलहाल जो है ट्रेड कर रहा है 693.45 पे ट्रेड कर रहा है, और इसका जो सपोर्ट है ये है 592 का, अभी ट्रेड कर रहा है 593 पे। ठीक है, 593.45 पे ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट है 592 पे। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि कल जो है इसमें क्या क्या होने के चांसेस हैं। तो कल जब मार्केट खुलेगा तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सिप्ला का जो प्राइस है, ये गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है या नॉर्मल खुल रहा है, पहले आप इस चीज़ को देखिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ आपको अपने ध्यान में रखना है कि फिलहाल जो है ये डाउन ट्रेंड में है पिछले 15-20 दिनों से, ये दूसरी बात। अब तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है, 592 इसका सपोर्ट जोन है और ये लगभग 593.45 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब लगभग सपोर्ट के एकदम करीब ट्रेड कर रहा है। तो कल आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, तो कल आप देखिए कि मान लीजिए कि अगर कल ये 593 से थोड़ा और नीचे आता है तो 592 पे आएगा, तो आप देखिए क्या ये 592 के लेवल को मेंटेन कर रहा है, क्या इस लेवल को सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये इस लेवल को मेंटेन करता है तो फिर जो है इसके यहाँ से फिर ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। वैसे इस लेवल को ऑलरेडी ये सपोर्ट लेके ऊपर आ गया है, तो कल जो है मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि शायद ये कल यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो ठीक है, ये है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि मान लीजिए कल अगर यहाँ से ये नीचे आ जाता है और ये वाला लेवल को तोड़ देता है 592 के लेवल को, तो अगर ये 592 के लेवल को तोड़ देता है तो फिर जो है इसके यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस बनते हैं। तो ये हुई पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन ये कि मान लीजिए कल अगर यहाँ से ये ऊपर की ओर जाता है तो आपको ये 602 के लेवल को ध्यान में रखना है। ये जो 602 का जो लेवल है, इस लेवल पे जो है इसको पहले तीन बार रेजिस्टेंस मिल चुका है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगर ये ऊपर आता है 602 के लेवल तक तो हो सकता है कि यहाँ पे ये एक बार और रेजिस्टेंस ले और एक बार और थोड़ा सा करेक्शन ले, पर अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है 602 के लेवल को, तो फिर इसके पूरे चांसेस बनते हैं कि ये फिर जो है वापस 108 के लेवल को टेस्ट करेगा। ठीक है, तो आपको कल इन तीनों लेवल को ध्यान में रखना है, खास करके सबसे पहले सवेरे आपको इस लेवल को ध्यान में रखना है 592 के लेवल को, कि क्या ये 592 के लेवल को तोड़ के उसके नीचे आ रहा है।
अगर इस लेवल को तोड़ के इसके नीचे आता है तो चांसेस बनते हैं कि इससे और ज्यादा नीचे जाएगा, और अगर कल ये इस लेवल को नहीं तोड़ता, इस लेवल को मेंटेन करता है जैसे कि अभी इसको मेंटेन कर रहा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो फिर जो है इसके यहाँ से और ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं 601 के लेवल के आसपास तक, 602 के लेवल के आसपास तक। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और ये था सिप्ला का टेक्निकल एनालिसिस। तो इस टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर और आपकी जो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं उन सब के आधार पर आप देखिए कि अगर आप सिप्ला में ट्रेड करते हैं तो आप कहाँ पे एंट्रीज ले रहे हैं, कहाँ पे आप बाय कर रहे हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं, कहाँ आप अपनी पोजीशंस खड़े कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।